यूक्रेन युद्ध के बीच समरकंद में प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक हुई थी। इस दौरान पीएम मोदी ने पुतिन को शांति का पाठ पढ़ाया। अब इधर ये बातचीत हुई और उधर अमेरिका भारत से खुश हो गया और भारत की तारीफों के पुल बांधने लगा। व्हाइट हाउस ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन खुद को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अलग कर रहे हैं। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के मौके पर पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी के संदेश के बारे में पूछे जाने पर व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में शामिल जॉन किर्बी ने कहा, मुझे लगता है कि आपने जो उज्बेकिस्तान में भारत और चीन के नेताओं का संदेश सुना, इससे यह साफ संकेत है कि पुतिन यूक्रेन में जो कुछ भी कर रहे हैं उसके प्रति किसी भी देश की सहानुभूति नहीं है। पुतिन खुद को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अलग कर रहे हैं। हमें विश्वास नहीं है कि यूक्रेन में जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद अब रूस के साथ पहले की तरह व्यापार करने का समय रह गया है। हालांकि इस पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की भी प्रतिक्रिया आई। ब्लिंकन ने कहा कि भारत और चीन दोनों ने जो बताया वो दुनिया भर की चिंताओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा, यूक्रेन पर रूसी आक्रमण को लेकर आप जो भारत और चीन से सुन रहे हैं वो दुनिया भर की चिंताओं को दर्शाता है। इससे पहले पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक में पीएम मोदी ने कहा था कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है, संवाद के जरिए ही समाधान निकाला जाना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है। हमने इस मुद्दे पर आपसे कई बार फोन पर चर्चा की। लोकतंत्र, कूटनीति और संवाद के जरिए ही इसका समाधान निकाला जा सकता है। इस पर पुतिन ने कहा कि वो यूक्रेन संघर्ष पर पीएम मोदी के स्टैंड और चिंताओं से अवगत हैं। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि ये सब जल्द से जल्द खत्म हो, लेकिन यूक्रेन का नेतृत्व बातचीत प्रक्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया है। बता दें कि रूस के द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद भी भारत, रूस और अमेरिका दोनों से अपने संबंधों को स्थापित किए हुए, जिसमें उसे दोनों देशों से सहयोग मिलता रहा है। यही कारण है कि गतिरोध और तनाव के बावजूद भी, रूस पर लगे प्रतिबंधों के बाद भी, भारत ने रूस से न सिर्फ सस्ती दरों में तेल खरीदा पर साथ ही अपनी S-400 डील को भी आगे बढ़ाया, जिसमें अमेरिका का भारत को सहयोग भी मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।